दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं होंडाई की वेरना है और गाड़ी हमने चालू रखा है जैसा कि देख पा रहे हैं, लेकिन इसका हीटर जब हाई पे रखा हूं तो हीटर काम ही नहीं कर रहा है। जैसे हीटिंग टेम्परेचर देख रहे हैं आप, गाड़ी काफी टाइम से चालू है लेकिन हीटिंग टेम्परेचर फिर भी 8 रुपये ही आ रहा है, क्योंकि इसका हीटर का जो मोटर है ना, एक्चुएटर मोटर, वो काम नहीं कर रहा है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ से एडजस्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मोटर है, ये मोटर लुब्रिकेट नहीं हो रहा है, यानी घूम नहीं रहा है। ये रही मोटर इसका, यानी फ्लैप को घुमा नहीं रहा है। तो चलो हम इसको खोलेंगे, खोलने के बाद देखते हैं रिपेयर होने जैसा है या नहीं है। रिपेयर करने लायक रहेगा तो रिपेयर कर देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, नया डालना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं 4 स्क्रू दिया है, 3 स्क्रू दिया है, 1 2 3, तीनों स्क्रू खोल लेंगे हम, फिर खोल के मोटर बाहर निकालेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं मोटर को खोला हूं, अब इसका अंदर का पार्ट खोलने जा रहा हूं, मोटर को ऑपरेशन करने जा रहा हूं, देखते हैं इसमें क्या हुआ है, रिपेयर होने जैसा है या नहीं है, चलो देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो पार्ट घिस जाने की वजह से ये काम नहीं कर पा रहा है, यानी सिग्नल नहीं दे पा रहा है। ये मोटर चालू है, मोटर खराब नहीं होता है, लेकिन ये सर्किट जो है ये खराब हो जाता है, क्योंकि ये चीज सिग्नल की वजह से चलता है, तो ये सिग्नल दे नहीं पा रहा है, इसकी वजह से ये चल नहीं रहा है, रिपेयर नहीं हो रहा है। तो अब हम इसमें दूसरी मोटर डाला हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दूसरी मोटर डाल रहा हूँ और मैं यहाँ से इसको घुमा रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मोटर अभी चल रहा है अपना, दूसरा मोटर डाला हूँ, अभी देखो प्रॉपर चल रहा है। मैं यहाँ से हीटिंग पे ले रहा हूँ, फिर कूलिंग पे ले रहा हूँ, प्रॉपर चल रहा है, यानी रिपेयरिंग अपना नहीं हुआ। दूसरा मोटर डाला हूँ तो चल रहा है ये प्रॉपर। अब हम इसका हीटिंग टेम्परेचर देख लेते हैं कितना तक जा रहा है। आगे देख रहे हैं आप, मैं गाड़ी चालू किया हूँ, गाड़ी चालू है और अभी हीटर हाई पे कर रहा हूँ, देख पा रहे हैं आप हीटर हाई पे किया हूँ, और हीटिंग टेम्परेचर देख लीजिए आप, मर रहा है अभी, यानी प्रॉपर चल रहा है, यानी वो मोटर रिपेयर तो जल्दी नहीं होता, होता है रिपेयर, उसका सर्किट बोर्ड मिल जाए तो रिपेयर हो जाता है, तो मोटर की वजह से हीटर नहीं चल रहा था मेरा, तो यानी हो गया, सभी सिस्टम प्रॉपर हो चुका है। तो हेलो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।